राट। ये पालने के लिए क्या चाहिए? तुम्हें तुम्हें पालने के लिए जरूरत नहीं है, हम खुद तो ही पालेंगे। एनर्जी तो है वैसे मेरे पास। प्यारी समझ गई। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इस वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए क्योंकि ये वीडियो अलग ही मतलब अलग ही टाइप का होने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग जाने वाला है पोखरा में। रोहित कौन सा वीडियो देखा है? एक वीडियो बता दो। कार वाला, कार वाला देखा है आपका, जो BMW था। यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यार। हेलो हेलो मैम, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। देखा नहीं भाई। फर्स्ट टाइम में किसी को मेल में रिप्लाई दिया एंड ऐसे मिले। थैंक यू। नेपाल में कोई सबसे बड़ा फैन है वो एक है, वो मैं हूं। सीरियस। मैं भी ये सोचता है कि यार मेरे को भी कोई लड़कियां पसंद करे यार। कोई लड़की पसंद करता है ही नहीं। मैं इतना बुरा है क्या? मेरा शक्ल इतना बुरा है क्या? आप देखो फेस पे। आप कोई रिजेक्ट कर मान नहीं सकता भाई। हम गधे रियल में बहुत सुंदर है कि नहीं? बहुत रियल में यार। कॉम्प्लीमेंट दो यार। आप जैसा सुंदर ना और कोई किस लड़के में दम नहीं हुआ कि आप रिजेक्ट कर दे भाई। सही बात है। मैंने अपने सब्सक्राइबर को मौका दिया मेरे से मिलने का। थोड़ा बहुत आज नाइट लाइफ देखते हैं, तो नाइट लाइफ में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। हाय हेलो हाउ आर यू? नाइट लाइफ यहाँ आप रात के ट्रेडिशनल थाली खाने आओ और ये नजारा। नाइट लाइफ हॉस्पिटल देखने आया। मोस्ट एक्सपेंसिव क्लब। इतना सुंदर सुंदर लड़की कैसे क्लब के आगे खड़ा रह सकता है यार? बड़े बड़े लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे पाड़े गढ़। अब मैं बिल्कुल अंदर जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपके फ्रेंड्स। मेरे को जाना पड़ेगा। 49 बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। रियली? ये विलेज के बंदा गलती से क्लब में आ गया। शाबाश। एक बार से वाला यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ से आपको सीन देखने को मिलेगा। बाहर देश की भी देखो। हेलो काठमांडू नाइट लाइफ। ऐसे लगता है आप जापानी जैसे भी देख रहा है। राट। यही नहीं, अब कितना बजा? 3। ये देखो ये किसी को इंतजार कर रहा है एंड इधर भी आ रहा है। नाइट लाइफ। एंड यहाँ पे भाई बीडी से लोग पड़ा पड़ा हुआ है। भांगुर डस्ट नजारा। रात की 3:38 कोई लोग एंजॉय कर रहा है एंड कोई लोग ऐसे साफ। काठमांडू शेर को अब करते हैं बाय बाय। भाई लोग अभी मैं लगभग काठमांडू से आ चुका है 40 किलोमीटर और पैदल चल रहा है 30 किलोमीटर तक लिफ्ट एंड लिफ्ट नहीं मिल रहा है। भैया थोड़ा लिफ्ट दे दो। भाई साहब बता सकते हो क्या ये कौन सा मशीन? आपको पता है फ्लाइट से जाता तो सिर्फ आधा घंटा में पहुंच जाता पोखरा, लेकिन अब बस से जाए या ऐसे पैदल? पैदल तो नामुमकिन है क्योंकि 5
छह दिन लेगा। क्या ये मुश्किल है मेरे लिए? मैं तो कर सकता था बट मेरे पास बहुत कम समय है क्योंकि हमारे नोटिस में एक फेस्टिवल आ रहा है, उसके लिए भी मेरे को जल्दी पहुंचना है। थोड़ा लीव दे दो, टैक्सी में होने से भी जाना पड़ेगा। थोड़ा लीव दे दो, लिफ्ट लिफ्ट। लगता है मेरे को लिफ्ट नहीं मिलने वाला है। भैया लिफ्ट, भैया लिफ्ट। पहले भी मैं तुमसे मिली हूं, मरहम मरहम। ओह माय गॉड। दो घंटा रुकने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं पोखरा। भाई लोग आप सभी को बता दूं इस रूम का प्राइस कितना है। बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा रूम, इंडियन मनी 500 रुपया। ओह हां, आप सभी को बताना भूल गया कि मेरे दोस्त आर्यन के मैसेज मिला जो आईटी एंटरप्रेन्योर्स में काफी फेमस है। और आर्यन ने मुझे अपना डाउटफुल सॉफ्टवेयर अव्यूटर गेम में टेस्ट करने को कहा, जिसके लिए मैंने हाँ कर दी। सब कुछ फायर करने के लिए मैंने इससे वीडियो पे रिकॉर्ड किया क्योंकि शुरू से ही ये बेट आर्यन के लिए लॉस में थी। तो मैं अव्यूटर में घुसा और आर्यन के सॉफ्टवेयर चलाया। सॉफ्टवेयर ने 6 राउंड के लिए प्रेडिक्शन दी। चलो अपने 1000 रेस करते हैं, देखते हैं रॉकेट को 8.31 पे गिरना चाहिए। फिर फाइल वेट करते हैं। देखो रॉकेट सेशन में 8.31 पे रुक गया और हमारे पास प्लस 7030 रुपीस बैलेंस में है। चलो और एक बार प्रयास करते हैं। मैंने बड़ा कंफ्यूजन का वेट करा, -7.70। इस बार मैं अपने 6000 रुपीस पे खेलूंगा। चलो शुरू करते हैं, वेट करते हैं। ये मैं फिर से जीत गया और रॉकेट सेस में 7.17 में लैंड हुआ। मैंने अपने अकाउंट से पैसे निकाले और 35,770 रुपीस कमाए। इस जीत के बाद आर्यन को मैंने लिखा कि वो कुछ नहीं देता मुझे, लेकिन बेट में हार गया इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पर्सनली बताता हूँ कैसे इस सॉफ्टवेयर को फ्री पाए। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाना होगा। उसके बाद तुम आर्यन के टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। ऊपर पिन मैसेज में टेक्स्ट मी का बटन होगा, उस पे क्लिक करो और आर्यन को लिखो आई एम फ्रॉम बी बॉयज और वेट करो रिप्लाई का। उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में छोड़ दूंगा। जरूर वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे जाओ और आर्यन को लिखो जब कंडीशन फॉलो करो और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में पाओ। अपना सांस मत छोड़ो जब तक अभी ये काम कर रहा है। मिलते हैं आयन के टेलीग्राम चैनल में। सेक्सी है टोयोटा, पता भी नहीं मेरे को कहाँ जाना है। जे रही पोखरा सिटी के हाईवे रोड। टिकट कर ले, मंदिर देखने जाएंगे, बोट में बैठ के चलो यार भाई। अभी मैं पहुंच चुका है डाल पराए मंदिर में। तो यहाँ पे आप आके ऐसे ही देख सकते हैं पानी मछली मछली दिख रहे हैं। एक तरह से बना के रखा है बैठने के लिए जगह एंड पार्क में कुछ इस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं एंड हाँ कुछ इस तरह से यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट बना के रखा है भाई। और हाँ यहाँ पे कलरफुल नजारा। ये इंडिया इज लव वाले तारक मेहता। अच्छा उल्टा चश्मा। कभी गए हो इंडिया? नहीं। अच्छा बहुत इच्छा है। हाँ चलो मेरे साथ लेके जाएगा। अरे हाँ पढ़ना है मेरे को। पढ़ना है? अच्छा नहीं मैं परमानेंट नहीं लेके जाऊंगा मेरे चेहरे। अरे यार गाइस फरमाना नहीं है। पहले अब मैं ट्राई करने वाला है गन। मैं पार्क पार्क का नाम भी पता नहीं होगा इनको। अच्छा पकोरा डिज्नी। मैं बहुत ये बहुत अच्छे हैं। अच्छे
अच्छे तो यार हैंडसम है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बहुत चल गया, बहुत हैंडसम है। अच्छा नेपाल की छोटा सा बस ब्लर कर देगा तेरा फेस, ठीक है। हेलो भैया, खबर बढ़िया। लो लो अभी बीच में ऐसे ही जाओ। हरामी हो मम्मी। हाय शाबाश, अच्छी क्यूट होता है। अच्छे से बोलो। हाँ थैंक यू संजय। गुवाहाटी 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 कमलपुर कमलपुर। जाओ जाओ जाओ। यहाँ पे अभी साइड से ऑटी चल रहा है। कभी इंडिया गया, नोटिस गया नहीं, गया जाना नहीं चाहता यार, चाहता हाँ मैं भी लेके जाना चाहता हूँ यार। आरती अब खत्म हो चुके हैं, गलत टाइम में आप पहुंचे। यहाँ पे नाइट लाइफ चल रहा है, आपकी चॉइस है कि आप उस तरह से जगह में जाओगे या इस तरह से जगह में। बात तो सही है, कई तरह से लाइफ आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, और कई तरह से आप लोगों में डिफरेंट डिफरेंट नाइट लाइफ दिखाने वाला है पकोड़ा के अंदर। चलो यहाँ पे आपको रात को कई तरह से खाने को मिलेगा, मछली वछली एंड हाँ नॉन वेजिटेरियन भी यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर अकेला बैठो एंड कभी घूम लिया करो भाई लोग। यार घर में का ये टेंशन में भड़ा पड़ा हुआ, यार बाहर घूमो और देखो दुनिया को, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है ये दुनिया। अगर आप अच्छे नजर से देखोगे तो अच्छा दिखोगे, बुरा नजर से देखोगे ना तो बुरा ही दिखोगे भाई। स्वीट सा हवा और यहाँ तुम अकेला, ना तुम्हें कोई पहचानते ना तुम किसी को पहचानते। यहाँ पे कोई सीख रहा है, कोई स्मार्ट है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं ये ट्राई करने वाला, भाई मेरे को आता नहीं है, ट्राई करने वाला है मैं। फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत सीख लिया। अबे साले एंड आपके नाम क्या है? मेरा नाम ममता गुरु। ममता गुरु यार बहुत चंदे है, ये भाई है ये बहन। अच्छा आप इधर सबसे पहले मैं ही देखूंगा। सबसे पहले देखने वाला भूल गया यार। ओके बाय बाय। हाथ ले लूं? ले लो ले लो। ओ गॉड, इनको मत लाना, अकेला आना था, ठीक है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट डे मैं अभी फूम दिया पहुंचा है, नजारा आसमान से जाके देखते हैं। हर हर महादेव। आप सभी को बता दो ये है नेपाल की सबसे ऊंचा शिव बाबा है। चलो ऊपर चढ़ के देखते थोड़ा पास, देख सकते हैं नजारा बैक साइड से। एंड हाँ भाई ये पहले ना नहीं, यहाँ पे तीन मल्ले के एक सीढ़ी था तो उसको अगर तोड़ के फेंक दे तो नुकसान हो जाएगा, उस वजह से ये पे बना दिया है डब्रू। वो वेटर क्लियर होता तो क्या सेक्सी दिखता ना पकोड़ा व्यू।
stupa. Australia. America. Australia. Local. Okay, okay. Don't forget to like and subscribe. Okay, thank you. Bye bye. वर्ल्ड पीस पेगोडा। ये रही भाई, ये तो मैं अंग्रेज में बोला था लेकिन नेपाल में शांति स्तूपा, पे शांति से रहने को। अब हम देवी फॉल्स में देखते हैं। अंदर आते ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हिमालय, काफी साल पुराना, यहाँ पे गणेश बाबा की मूर्ति एंड शिवलिंग, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं है वॉटरफॉल। ये पानी अंदर से जाता है, इधर पूरा दूसरा साइड से निकलता है, पानी पूरा इधर अंदर चला जाता है। पानी कहाँ जाता पता है आपको? इंडिया में। पूरा नीचे नीचे जाएगा, उधर नदी में पहुंच जाएगा, नदी में से पहुंच जाएगा इंडिया, और ये पानी आया है फेवाले। इधर से दिखता भी है। लेट्स गो, अभी हम चलते हैं। ये बोर्ड बिल्डिंग, ये चलो इसी तरह आप अपने बेटा को कैमरामैन बनवा के यहाँ पे फोटो ले सकता है आराम से। अब मैं यहाँ पे खाना खाने आया और कौन सा बाइक देख ली, ये देखो भाई साहब क्या सेक्सी लग रहे हैं, कौन लेके आया भाई? नेक्स्ट डे आज फिर जान लोग मिले हैं स्केट करते करते, ये देखो सुंदर सुंदर सा है। नेपाल की लड़कियों का सुंदर होने का राज क्या है? राज तो पता नहीं है, मम्मा से पूछना पड़ेगा। अच्छा इनको देखने आता है ये आपको देखता है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कब से तुमको ये दिख रहा था। अच्छा भाई, मैं अब खेलूंगा ही नहीं, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। देख मैं लेके जा रहा हूँ इंडिया, प्यारी समझ गई। प्यार देने के लिए राजी है बंदा। अपना सांस मत चलो आयन के यूनिक वेयर पाने का। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाओ और आयन को लिखो कि तुम मेरे तरफ से हो, क्योंकि मैंने देखा है कि 1000 रुपीज से मैंने 35,000 रुपीज कैसे कमाए। उसका सॉफ्टवेयर टेलीग्राम चैनल में, पहले इसको देखिए 10 टाइम बार, और अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ सब जल्दी से। हम करे अब वही बोलते हैं कल आ जा, दोनों को लेके जाओगे? हाँ, फर्स्ट टाइम में अकेला अकेला मिलो। YouTube चैनल में लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब थोड़ा बहुत गपशप करते हैं, दिख जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। सीख लिया है हम लोग खेलने वाले वाटर पार्क।